आज सुई धागा जी के नाम पर जो इनॉग्रेशन किया गया था उसमें चीफ गेस्ट के तौर पर जो महिलाएं आई है, हम उनसे बात करते हैं। मैडम, आपका नाम बताइए और आप यहाँ पर आए, कैसा लगा और क्या प्रोग्राम है? मेरा नाम है सिस्टर मार्गरेट सिक्वेरा। आज इस प्रोग्राम के लिए हमें इधर इनवाइट किया था। ये विमेन एम्पावरमेंट है, मतलब स्त्रियों को उत्तेजन देने के लिए है कि वो इस काम सीख कर, सुई धागा जी कार्यक्रम सीख के उसमें से कुछ अपने कुटुंब के लिए, अपने खुद के लिए, अपनी उन्नति के लिए, अपने फैमिली के लिए कुछ कर सकते हैं। ऐसे ही कुछ कर सके तो और बहुत सारी महिलाएं आगे जा सकती हैं, बहुत सारी महिलाएं आगे जा सकती है। ये एक वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम था। आपका नाम बताएं, आप क्या कहना चाहेंगी सुई धागा जी के बारे में? आई एम सिस्टर नीता लोपिस, मेंबर ऑफ द कनोशन इंस्टीट्यूट डॉटर्स ऑफ चैरिटी। वी आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन हेल्पिंग वीमेन एंड दिस इज अ स्टेप by IDF together with many people of goodwill who have a heart for the poor to bring up women into self-reliance, and this is a step towards empowerment, self-reliance and changing society, families and individuals. थैंक यू सर, आपका स्वागत है 24 इयर्स न्यूज़ में। आज जो इनॉग्रेशन था सुई धागा जी के नाम पर, इससे कितनी महिलाएं जुड़ी और क्या प्रोग्राम है, इसका जरा डिटेल में बताइए। नमस्कार, पहले तो सुई धागा जी महिलाओं के उत्थान के लिए प्रोग्राम हमने शुरू किया है। लॉकडाउन के समय जैसे काफ़ी महिलाओं के, काफ़ी लोगों की नौकरियाँ जा चुकी है, घर में काफ़ी चीज़ों के अभाव है, हमने सोचा कि लोगों को सक्षम बना करके और उनको यदि वो आत्मनिर्भर हो पाए, अगर कुछ काम सीख करके अगर उनकी कोई आमदनी बन सके, तो ये सुई धागा एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके ज़रिए इलेक्ट्रिक मशीन में सभी महिलाएं 2 महीने का ट्रेनिंग लेगी। इस 2 महीने के ट्रेनिंग के बाद में उनको एक मशीन दिया जाएगा जिसके द्वारा वो अपनी आमदनी पा सकती है और अपने परिवार भी चला सकती है, बच्चों की फ़ीस दे सकती है। तो ये एक प्रोग्राम, जो पहला बैच हम लोग जो शुरू किया है, ये 48 महिलाओं का है, यानी कि सवेरे 24 महिलाएं और दोपहर को 24 महिलाएं, 3-3 घंटे का एक एक सेशन होगा, 2-2 महीने के कार्यक्रम रहे। जैसे फरवरी और मार्च का ये जो प्रोग्राम होगा, इसमें 48 महिलाओं की ट्रेनिंग होगी, उसके बाद में उनको मशीन दिया जाएगा घर में और अपने घर से अपने काम करके अपनी आमदनी कमा सकती है। राय सर, यदि कोई महिला आपसे जुड़ना चाहती है, उनको सीखना चाहती है, तो कैसे आपसे संपर्क करें? तो ऐसा है कि आज का जो पहला पड़ाव है, हमारा जो लक्ष्य है सुई धागा जी, जिसके द्वारा हम लोग जैसे कहते हैं 1000 मीलों की दूरी पहले कदम से होती है, एक कदम से होता है, तो ये पहला कदम आज सेंट मैथ्यूज स्कूल में हमने रखा है और हमें धन्यवाद देना चाहते हैं कि लारजी वर्गीस मैडम, जिस प्रिंसिपल साहिबा स्कूल की, बहुत अच्छा सहयोग दिया है। तो यहाँ से शुरुआत होती है, महिलाएं यहाँ पर आकर के अपना नाम दर्ज कर सकती हैं प्रिंसिपल मैडम के पास और उनको लेकर के हम लोग ट्रेनिंग शुरू करेंगे। हमारा लक्ष्य है कि आने वाले 10 साल में 10 लाख महिलाओं तक पूरे भारत भर में हमें ट्रेन करना है। सुई धागा जी का यही लक्ष्य है कि 10 लाख महिलाओं को लेकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। ये एक बहुत ही बड़ा क्रांति हम शुरू कर रहे हैं जिससे महिलाओं को उत्थान और वो आत्मनिर्भर और सक्षम बने। नारायण सर, जो महिलाएं जो ट्रेनिंग करती है 3 महीने के बाद, तो उनको काम कैसे जॉब करेंगे, अपने घर पे करेंगे या मशीन उनको खरीदना पड़ेगा, कैसे आगे काम करेंगे? तो हर महिलाएं जो ट्रेनिंग होने के बाद में उनके घर में एक मशीन दिया जाएगा, या तो फिर ये जो 24-25 महिलाओं को मिलकर के एक जगह लेकर के उतनी मशीनें हम उनको देंगे और वो कमाने के बाद में उस मशीन के पैसे भी वो वापस देंगे, ताकि आने वाले महिलाओं को वो पैसे की फिर से उसको, तो ये एक रोटेशन सा चलता रहेगा ताकि वो अपने आप में स्वावलंबी बन सके और लोगों को और मदद पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद, ये थे हमारे साथ नारायण सर, जिन्होंने बहुत अच्छी बात की कि 1000 मील का सफ़र तय करना है तो पहला कदम बढ़ाना चाहिए। ये कार्यक्रम था सुई धागा जी करके, यहाँ पे आज इनॉग्रेशन था सेंट मैथ्यू हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज। मैं कैमरा मैन शोएब के साथ निशा नाज़मी, 24 इयर्स न्यूज़, मुंबई।